इन्होंने आज आपको सैकड़ों जूते बरसाए हैं अपनी तरफ से, वो इनके वो जूते कितने स्वीकार किए गए, तो एक तो ये है क्योंकि इनका ताना बाना खत्म, अब इनको ये अब ये भागने वाले हैं समझिए, इनको एक तरह से हिंदुस्तान ने या बॉलीवुड ने इनको एक तरह से बहिष्कार कर दिया है। पहले डराते किसको थे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो, क्यों दाऊद के यहाँ से फोन आ जाएगा, छोटा शकील का फोन आ जाएगा और उस पर इनका पूरा कारोबार चलता था, जरा अंधेर देखिए। और अब इनकी समझ में आया कि मेरा जो आका है दाऊद इब्राहिम, उसको जूते की नोक पर रखने वाला एक आदमी पैदा हो गया है और उसके डर से ये सिटकिनी चढ़ा के बैठा हुआ है सलमान, तो अब की ये पूरे गधे के सिर से सिंह की तरह गायब है। और उसका कारण जो मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, उसका कारण दाऊद का साम्राज्य खत्म करना और उस 30 वर्ष के लड़के के द्वारा। सर आज एक और खबर महत्वपूर्ण है, दीपावली पर आपको किसी जिहादी खान बंदों ने, सलीम जावेद के जोड़ियों ने ये आपसे दीपावली मनाने पर ये बिना पटाखों वाली दिवाली मनाइए, ये कल पिछले साल तक ऐसी सलाह देकर के दीपावली की शुभकामना देने वालों ने इस बार न सलाह दी न आपको शुभकामना दी, ये पूरे सनातन भारत को समझने की जरूरत है। जिन खानों को आपने स्टार बनाया सतीश जी ने एक एक चीज के लिया है, ये थूक फेंक करके बोलने वाला ये जावेद अख्तर को देखिए, ये जावेद अख्तर को देखिए, इसने कोई 4.6 million फॉलोअर्स हैं इसके, ये अकला शाहरुख खान को देखिए, किसी ने आपको ये आमिर खान बौना जो है उसको देखिए, ये सैफ अली खान, इसका पूरा खानदान क्या रहा है सलमान खान, इसे सनातन भारत ने सुपरस्टार बनाया है, ये खानों का गिरोह है। इसने दीपावली की शुभकामना इस बार नहीं दी, क्योंकि इस बार आपने बहुत कम देखा होगा किसी ने कि बिना पटाखों की दिवाली हो ऐसी कोई सलाह दी हो, ये शैतानी खेल क्या है सर? ये मनीष जी, ये मैंने अभी और ये दर्शक मैंने इसीलिए कटिंग किए, ऊपर जो ऊपर टाइम ही पड़ा हुआ है सबसे कोने में, ये मैंने अभी रात में 10:30 करीब समझिए ये सारे स्क्रीन शॉट लिए हैं। ये पांचों आदमी जावेद अख्तर, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और सैफ अली खान, इन पांचों आदमियों ने आपको दिवाली की ना तो बधाई दी है ना शुभकामना दी है, जबकि दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है, इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है हिंदुओं का, जहाँ सारे पर्वों की गिनती इसके बाद शुरू होती है, और इन लोगों ने उसकी बिल्कुल उपेक्षा की है, बहिष्कार किया है, तिरस्कार किया है, तो इनके मन में सनातन के प्रति कितनी घृणा भरी है, कितना जहर भरा है और उसके अनुयायियों के प्रति कितना जहर भरा हुआ है, वो अपना इससे आज वो जहर एक तरह से उगल दिया। और अब की पांचों आदमी सबसे बड़े ठेकेदार हैं बॉलीवुड के, बॉलीवुड में जिहाद के जो फिल्मी जिहाद वहां चल रहा है, तो इससे ज्यादा अपमानित आपको नहीं कर सकते ये मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आम मुसलमान हो वो नहीं देता चलिए ठीक है, उसका उसका धर्म उसको इजाजत नहीं देता, बड़ा धर्म को पक्का मान लिया उसको, ये पांचों आदमी जो अपनी ये पांचों आदमी की हिस्ट्री आप देख लीजिए, तो एक सैफ अली खान को छोड़कर ये पांचों सड़क छाप गुंडे से बदतर थे, सड़क छाप थे। शाहरुख खान का मैं बता चुका हूँ, ये तो मट्टी के तेल का ब्लैक किया करता था, मट्टी के तेल के ब्लैक करने में पकड़ा गया, बाद में मुकदमे बाजी के ऊपर हुई, तो मट्टी के तेल से ब्लैक करने से आज ये किंग खान अपने आप को लिखता है, वहां का बादशाह बना हुआ है, और किसका दम पे, ये सिर्फ सनातनियों और हिंदुओं के दम पर ये बना हुआ है, लेकिन इन्होंने सामूहिक बहिष्कार आज दीपावली का किया है, तो दीपावली का बहिष्कार नहीं किया, इन्होंने आपके हिंदुओं का बहिष्कार किया है, जिनके टुकड़ों पे पल के यहां तक पहुंचे, अन्यथा इनकी औकात क्या थी। ये जावेद अख्तर तो मेरे लखनऊ को आए, बाद में यहां से भागा तो अपने मामा चाचा पर अलीगढ़ चला गया, वहां से भागा तो बंबई चला गया, और बंबई में भी कैसे भूखों मर रहा था, उसके बाद कैसे एस्टेब्लिश हुआ एक अलग कहानी है, हम लोग थोड़ा अलग हट जाएंगे। तो ये सड़क छाप लोग आज ये इस स्थिति में है कि ये एक तरह से डंके की चोट पर हिंदुओं को पूरे सनातन समाज को अपमानित कर रहे हैं, इन्होंने कोई बधाई आपको नहीं दी, कोई शुभकामनाएं नहीं दी है, यानी इनके लिए दीपावली कोई महत्व नहीं रखती, और इनके अब इनकी पिक्चर देखता है जो इनको टिकट इनके टिकट खरीद के देखता है पिक्चरों को, वो अपने आप को अपमानित, जैसे कहते हैं ना जलील आदमी के 100 जूता खाए तमाशा घुसकर देखेंगे, तो अब इनके इनको अगर कोई हीरो मानता है इनकी पिक्चर को देखता है तो वो बिल्कुल जलील किस्म का व्यक्ति है, और वो उसकी कहावत को चरितार्थ करता है कि 100 जूता खाए तमाशा घुसकर देखेंगे। इन्होंने आज आपको सैकड़ों जूते बरसाए हैं अपनी तरफ से, वो इनके वो जूते कितने स्वीकार किए गए, तो एक तो ये है, और ये इन्होंने ये आज सियार की तरह इन्होंने अपना असली रंग क्यों दिखाया, क्योंकि ये मैं बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि इनका ताना बाना खत्म,
अब इनको ये अब ये भागने वाले हैं समझिए, इनको एक तरह से हिंदुस्तान ने या बॉलीवुड ने इनको एक तरह से बहिष्कार कर दिया है, और इसका श्रेय मैं उस आदमी को दूंगा जो गुजरात की जेल में बंद है, वो लॉरेंस बिश्नोई ने एक झटके में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम का पूरा वहां सफाया किया है, दाऊद नाम का वहां कोई नाम नहीं लिया है, दाऊद के दम पर गुंडे ही नहीं चल पाएगी, दाऊद के नाम पर जादी पना नहीं चल पाएगा, तो वैसे ही इन्होंने भी अब अपना काम खत्म कर दिया, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है कि आप पहले डराते किसको थे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो, क्यों हो, दाऊद के यहाँ से फोन आ जाएगा, छोटा सकील का फोन आ जाएगा, और उस पर इनका पूरा कारोबार चलता था। जरा अंधेर देखिए, ये 90 में भी हीरो थे, 2024 में भी हीरो, 35-35 साल, ऐसा आज तक ऐसा कहीं फिल्म इंडस्ट्री में आज तक हुआ ही नहीं। यानी सन 50 जो लोग हीरो थे वो 95 आते आते वो बुड्ढे हो गए, 85 में आके बुड्ढों को रोल कर रहे थे, दिलीप कुमार तो बुड्ढों का रोल कर रहा था, राज कपूर 1988 में मर गए, देवानंद बुड्ढे का रोल कर रहे थे, और ये आदमी तो ऐसे जवान बने, इन्होंने किसी को आने ही नहीं दिया, और यही चारों पांचों खान वहां पे हावी हैं, तो क्यों हावी हैं, ये केवल दाऊद इब्राहिम की दौलत है, और अब इनकी समझ में आया कि मेरा जो आका है दाऊद इब्राहिम, उसको जूते की नोक पर रखने वाला एक आदमी पैदा हो गया है, और उसके डर से ये सिटकिनी चढ़ा के बैठा हुआ है सलमान, इसके हाथ पांव उसके फूले हुए हैं, किस तरह से 15-15, 16-16 पुलिस वालों को लेके शूटिंग करता है, तो अब इनके मन से अब ये असलियत में अपनी आ गए हैं, इनके मन में जो जहर भरा है सनातन धर्म के प्रति, उसका आज दिवाली पे इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता था, ये कितना आपके प्रति घृणा रखते हैं, हिंदुओं के प्रति कितनी घृणा इनके मन में भरी है, इसका मैं अभी आगे एक दिन किसी नीत करूंगा, तो आप इनको अब इनको इसी की शैली में जवाब मिलना चाहिए, और इनका 100% बायकॉट शुरू करिए, अन्यथा आप इस तरह से चलते रहेंगे। बिल्कुल, और ये सब नौटंकी करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, ये सब नौटंकी करते हैं, अपने आप को एक नैरेटिव बनाते हैं कि पूजा पाठ से लेके ये दीपावली, देखिए एक से एक गाना बजते थे, ये मैसेजिंग हमें कहते थे कि आपकी दीपावली पॉल्यूशन मुक्त दीपावली का संदेश, आज इस बार ये दे नहीं सकते, मैंने इसीलिए जोड़ा, इस बार आपको किसी ने पॉल्यूशन मुक्त दीपावली का संदेश नहीं दिया, इसकी क्या मायने, वो तो गायब है, वो राजपाल यादव आया था, वो नेतागिरी करता है यहाँ, पार्टी बना के चुनाव लड़ने के चक्कर में था उत्तर प्रदेश में, फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको साथ नहीं आया उसके, अन्यथा वो नेता है पूरा, तो वो आया था, और वो ईसाइयों के या ये क्या होगा होले लुलू करते हुए उसका वीडियो, और उसके बाद वो आ गया कि दिवाली में पटाखे पर चलाओ, खैर उसमें जूते बरसे तो भाग खड़ा हुआ, अपना ट्वीट डिलीट करके भाग गया है वो, वैसे भी जेल काट के आया था साला, पैसे के चक्कर में किसी की लयमारी करके भागा था, तो इस लयमार टाइप के आदमी ने हिम्मत करी थी, लेकिन वो भागा वहां से, तो अब की किसी भी ना तो वो हीरोइन जितनी पतुरिया आती है नाचने गाने वाली, वो आ जाती थी होली पे पानी ना बहाओ, दिवाली में पटाखे ना जलाओ, तो अब की ये पूरे गधे के सिर से सींग की तरह गायब है, और उसका कारण जो मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि उसका कारण दाऊद का साम्राज्य खत्म करना, और उस 30 बरस के लड़के के द्वारा उसके कारण इनको मालूम है कि अब हमारी विदाई यहां से तय है, तो अब ये जहर खुलकर इनका आ गया, इनकी मुसलमानियत खुलकर आ गई, अन्यथा दिवाली जिन हिंदुओं के दम पर तुम आज कहां से कहां हो, करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए की अपनी हैसियत बना के खड़े हो, और उसको तुम आकर इस तरह से अपमानित कर रहे हो आज दीपावली के दिन, ये सार्वजनिक व्यक्तित्व है मनीष जी, ये व्यक्तिगत मुसलमान नहीं है, कोई व्यक्तिगत आदमी हो उसका ठीक है मैं मान सकता हूँ, चलो उसका नहीं है वो नहीं करता तो आप उसको जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हिंदुओं के टुकड़ों पर पलने वाले हैं ये नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्या जरूरत है मैं इनके शुभकामना की, मगर हमें इसलिए समझना जरूरी है सर, आपने कुछ मौलाना को देखा होगा, वो सिखाता है, कोई आपको कहता है कि हैप्पी दिवाली तो आप उसको कहिए सेम टू यू, हम क्यों बोलेंगे हैप्पी दिवाली, हम क्यों बोलेंगे, हाँ वो हमें कहता है, इसका मतलब ये उन्हीं जिहादियों की तरह इनकी मानसिकता है, लेकिन ये आवरण ओढ़े हुए हैं। मैंने मनीष जी जो लोग कह रहे हैं कि हमें इनकी जरूरत, हमें इन्हीं की जरूरत नहीं, तो इनकी शुभकामना की क्या जरूरत है, मैं तो लगातार इनके खिलाफ दिखता रहा हूँ, पूरा 35 साल इनका कब्जा रहा, ये कितने कृतज्ञ है, कितने एहसान फरामोश, और सनातन के प्रति कितना जहर है उसका बहुत समझ लिया अब इनको, अन्यथा जो आदमी मैं कह रहा हूँ कि आप कुत्ता पाल दीजिए, कुत्ते को आप टुकड़ा देते तो वो भी आपके दुम हिलाता है आके आपके सामने कि मुझको दो टाइम टुकड़े यहीं से मिलते हैं, ये हमारे हिंदुओं के सनातनियों के पैसे पर ही ये पद पे, क्या इनको मुसलमान पैसा देते हैं, मुसलमान खाने ठिकाना नहीं, वो इनको क्या बनाएंगे, तो आज ही जो कोई 2000 करोड़ को 1500 करोड़ रुपए अपनी हैसियत बताता है, तो मालिक है इनके, ये नहीं कर सकते, जो इन्होंने अपमान किया है इनको, ये नहीं कर सकते, इनको अधिकार नहीं है इस बात का, ये आपके साथ गुंडाई कर रहे हैं, ये कैसी आप बात कर रहे हो,
कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, अरे जरूरत नहीं तो इनका बायकॉट करो, इनको जाए फिर उसी भिखमंगे की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप इनको हीरो बना के जाओ खोपड़ी बैठाते हो तो ये फिर इनकी ड्यूटी और नहीं करेंगे तो फिर इन पे जूते चलेंगे जनता के। बिल्कुल, और जूते कैसे चले ये देख लिया कि कैसे योगी आदित्यनाथ के सामने ये बॉलीवुड के गुंडे गिरगिराए थे कि आप हमें एक नैरेटिव चले कि हमारे फिल्म के बायकॉट का नारा ना लगे। इसीलिए इन चिरकुटों का ये हाल करना जरूरी है और इन सबको आर्थिक दंड की जरूरत है और इन सब की पूरी जांच की जरूरत है कि इनकी फिल्में हिट। तो आपने एक शानदार विश्लेषण पीछे किया था कि चाइना में इनकी फिल्में कैसे हिट होती है। हाँ, इस बॉन्डे की फिल्म चाइना में हिट हो जाती है, अकले की फिल्म चाइना में हिट हो जाती है, जहां पर फ्लॉप हो जाती है। इनके सबके पीछे ईडी और इनकम टैक्स लगना चाहिए। ये इनकी रकमें कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, ये जरा अपनी हैसियत तो बताएं। और सोचिए ये थूकबाज जावेद अख्तर अपनी बीवी के साथ मेंबर पार्लियामेंट राष्ट्रपति कोटे से बनता था सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौर में, और बड़ी अकड़ के साथ कहता था हम किसी पार्टी से नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। ये सोचिए ऐसे ऐसे चिरकुट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सांसद होते थे। इनके अंदर इस कदर, इन जावेदों के अंदर इस कदर, ये थूकने वाला जावेद अख्तर और वो भवना आमिर खान, ये सबसे ज्यादा गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे। लेकिन अब ये समझिए आज की दिवाली के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इसने पीके बनाकर सनातन धर्म को क्यों अपमानित किया था। ये आप बिल्कुल इससे समझ लीजिए कि इसके मन में वो जहर तब था, तब वो ढका छुपा था और आज तो खुलकर आ गया कि कैसे ये अपमानित करने पर लगे हुए हैं। क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत आदमी है ही नहीं, ये सार्वजनिक जीवन है इनका, और सार्वजनिक जीवन में इस आदमी की ड्यूटी है कि आज आपको करना चाहिए था।